शिक्षार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीकांत द्विवेदी, सहायक आचार्य गलगोटा विश्वविद्यालय NIOS के स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा के अधिकार आधारित उपागम विषय पर अध्ययन करेंगे। शिक्षा के अधिकार आधारित उपागम हम किसे कहते हैं? जैसे शिक्षा किसी व्यक्ति और समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा सामाजिक, आर्थिक समृद्धि, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के लिए महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है, जिससे गरीबी से लड़ने और सामाजिक इक्विटी को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार घोषणा अनुच्छेद 26 के अनुसार सभी को शिक्षा का अधिकार है और शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार घोषणा अनुच्छेद 26 में यह घोषणा की थी कि शिक्षा को सभी को अधिकार है और शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होना चाहिए। इस अधिकार ने मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास की दशा में शैक्षणिक प्रक्रिया में सभी प्रयासों को निर्देशित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। ये मानव अधिकारों की भावना को मजबूत करेगा और सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार सुनिश्चित करेगा। आर्टिकल 13 ऑफ ICESCR आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के अनुच्छेद 13 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिक्षा एक मानव अधिकार है और अन्य मानव अधिकारों को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। शिक्षा अपने आप में मानव अधिकार है और जितने भी अन्य मानव अधिकार हैं उसको समझने के लिए एक अनिवार्य, एक इम्पॉर्टेंट मीडियम भी है। अब शिक्षा नहीं होगी, अब जो व्यक्ति या बच्चा शिक्षित नहीं होगा वो अपने अधिकारों को कैसे पहचानेगा, उसे अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए शिक्षा अपने आप में एक मीन्स भी है, एक माध्यम भी है, जिसके अनुसार हम मानवाधिकारों को जान सकते हैं और उनको हम डिमांड कर सकते हैं। अब शिक्षा की भूमिका क्या है? जैसे शिक्षा द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है हमारी लाइफ में। शिक्षा के द्वारा महिलाओं सशक्तिकरण, महिलाओं को बढ़ावा देना, महिलाओं को अधिकार देना आदि आदि हम कर सकते हैं, तथा बच्चों को खतरों और शोषणकारी श्रम से बचाना। अब शिक्षा होगी, शिक्षा ही हमें ज्ञान कराती है कि हमें बच्चों को शोषणकारी श्रम में नहीं लगाना चाहिए, उन्हें खतरनाक कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। बच्चों को अपने अधिकारों का भान होगा और बड़ों को ये ज्ञान होगा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो शिक्षा इसमें महत्वपूर्ण योगदान करती है। मानव अधिकारों की रक्षा करना, शिक्षा के द्वारा ही मानव अधिकारों की हम रक्षा कर सकते हैं। शिक्षा हमारे व्यक्तित्व का विकास करती है, सर्वांगीण विकास करती है, पर्सनालिटी को निखारती है, व्यक्तित्व को विकसित करती है। शिक्षा की व्यक्तित्व को निर्धारित करने में, व्यक्तित्व को विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान है। कहा भी जाता है कि डेवलपमेंट ऑफ ऑलराउंड डेवलपमेंट, पर्सनालिटी का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा है। पर्यावरण संरक्षण और जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चों के अधिकार पत्र, वह सभी व्यक्ति, एक बच्चा है जो 18 वर्ष से कम आयु का है, अभिभावकों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि बच्चों के पोषण और विकास कार्य पर ध्यान दें। जो 18 साल से, जितने भी 18 साल से नीचे हैं सबको हम बच्चों की श्रेणी में रखते हैं। UN ने भी यही परिभाषा दी है कि 18 साल से जितने भी बच्चे हैं, 18 साल से कम आयु के बच्चों को हम एक बच्चा कह सकते हैं, उसको परिभाषित किया गया जो कि सर्वमान्य परिभाषा है। राज्य बच्चों के अधिकारों को सम्मान करेगा, उनको सुनिश्चित कराएगा ताकि बच्चे अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें। ये राज्यों की जिम्मेदारी है, दायित्व है। UN कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कानून है, जिसके द्वारा बच्चों के मानवाधिकारों पर केंद्रित है। मानवाधिकारों मीन्स बच्चों के मानवाधिकार से हम समझ सकते हैं बच्चों के अधिकार, चाइल्ड राइट, मानव का अधिकार, बच्चों के अधिकार। और UN कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट ने कहा है कि मानव अधिकारों पर ये केंद्रित है कि बच्चों को चाइल्ड राइट, उनका पालन करना चाहिए, उनको अधिकार मिलना चाहिए। और उसकी विशेषताएँ हैं जो UNCRC की विशेषताएं कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट विशेषताएं हम बात करें उस पर, तो ये 18 साल से कम उम्र की लड़कों लड़कियों दोनों पर लागू होता है। ये बच्चे के सर्वोत्तम हित
गैर भेदभाव और बच्चे के विचारों के सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित है। ये परिवार के महत्व और बच्चों के स्वस्थ विकास और विकास के अनुकूल वातावरण बनाने की आवश्यकता पर जोर देता है। प्रकृति के आधार पर बाल अधिकारों को हम वर्गीकरण करना चाहें या करें तो दो तरह के हम या दो भागों में हम बांट सकते हैं, तात्कालिक अधिकार इमीडिएट राइट और प्रोग्रेसिव राइट। इमीडिएट राइट नागरिक और राजनीतिक अधिकार से संबंधित होते हैं। इसमें भेदभाव, सजा, आपराधिक मामलों में उचित सुनवाई का अधिकार, किशोर न्याय की अलग प्रणाली, जीवन का अधिकार, राष्ट्रीयता का अधिकार और परिवार के साथ पुनः एकीकरण का अधिकार ये प्रदान करता है। इन सभी को हम तात्कालिक अधिकार की श्रेणी में रख सकते हैं। प्रगतिशील आधार प्रोग्रेसिव राइट। प्रोग्रेसिव राइट तत्काल ध्यान और कार्रवाई की मांग करते हैं। ये तुरंत उन पर एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, इनकी डिमांड होती है। इन अधिकारों में मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल हैं। स्वास्थ्य इम्पॉर्टेंट है इसमें प्रोग्रेसिव राइट में, और शिक्षा महत्वपूर्ण है और अन्य आर्थिक सामाजिक अधिकार हैं इसमें हमको शामिल कर सकते हैं। शिक्षा का अधिकार CRC के प्रगतिशील मानवाधिकारों के तहत कवर किया गया है, इसमें इसको शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में भी बच्चों के कुछ अधिकार दिए हैं, कुछ गारंटी देता है बच्चों के अधिकारों की, जिसमें मुख्य मैं बात करूँ जैसे अनुच्छेद 21A, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21A में ये निश्चित किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। ऐसे ही अनुच्छेद 24 की हम बात करें, उसमें भी एक अंकित किया गया है कि 14 साल की आयु तक के सभी खतरनाक रोजगार से संरक्षित होने का अधिकार बच्चों को दिया गया है, कि जितने भी 14 साल से कम के बच्चे हैं उन्हें खतरनाक बाल श्रम कह सकते हैं उसमें शामिल नहीं करना चाहिए, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। अनुच्छेद 39E, इसमें आर्थिक आवश्यकता से दुर्व्यवहार तथा अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए और मजबूर करने से सुरक्षा प्रदान करता है, कि अनुच्छेद 39E सुनिश्चित करता है कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए और गलत उन्हें प्रेशर देके, उन्हें दबाव, किसी दबाव में, बाहरी दबाव में किसी गलत व्यवसायों में उन्हें शामिल ना कराया जाए, उन्हें मजबूर ना कराया जाए। जैसे बच्चों को पकड़ते हैं, छोटे बच्चों को पकड़ लिया, उनसे भीख मंगवाते हैं, भिक्षा मंगवाते हैं और बाल श्रम कराते हैं, घरों में कैद कर लेते हैं, इस तरह की जो समस्याएँ हैं उनसे मुक्ति के लिए अनुच्छेद 39E का प्रावधान किया गया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया। पहले शिक्षा राज्यों का विषय हुआ करता था, 1976 में उसको कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड किया गया। उसके बाद 2002 में 86 अमेंडमेंट किया, शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया कि शिक्षा बच्चों का जितने अधिकार हैं उसमें एक मौलिक अधिकार ऐड किया जिसको शिक्षा का अधिकार कहा गया। ये 2002 में अधिनियम आया। इसमें सबसे पहले अनुच्छेद 21A को इंसर्ट किया जिसको शिक्षा का अधिकार कहा गया। अनुच्छेद 21A में राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है या करेगा, जिसे राज्य कानून द्वारा निर्धारित करेगा। राज्य की दायित्व है, राज्य उसको कानून का पालन कराएगा, जिसमें 6 से 14 वर्ष के शिक्षा का, बच्चों की शिक्षा का प्रावधान है। उसी में अनुच्छेद, पहले ये अनुच्छेद 45 में था जब संविधान बना, तो ये 6 से 14 वर्ष की शिक्षा प्रावधान अनुच्छेद 45 में था। अब 86 अमेंडमेंट में 45, अनुच्छेद 45 से ये 21A में आया। तो अनुच्छेद 45 में क्या रहा, अनुच्छेद 45 में संशोधन करके बनाया गया पूर्व बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा। इसमें पूर्व बाल्यकाल देखभाल शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य का होगा जब तक कि बच्चे 6 साल के नहीं हो जाते। आपने सुना भी होगा कि आंगनवाड़ी केंद्र इसीलिए बनाए गए हैं कि वो 6 साल से कम के बच्चे हैं उनका पोषण करे, वो आदि आदि कई और उसके प्रावधान हैं जिसके तहत 0 से 6 वर्ष के बच्चों को अधिकार दिया है
या उनको राइट मिला है कि उनका राज्य का दायित्व है कि उनका देखभाल वो करे। उसी में एक और 86 अमेंडमेंट में एक अनुच्छेद में परिवर्तन किया, अनुच्छेद 51 के। पहले हमारे मूल कर्तव्य नागरिक के 10 मूल कर्तव्य थे, तो एक मूल कर्तव्य को उसमें ऐड किया गया, 11वां मूल कर्तव्य उसे बोला गया। उसमें क्या कर्तव्य दिया गया, क्या जोड़ा गया कि अपने आश्रितों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य होगा, कि अपने बच्चों को अपने आश्रितों को शिक्षा की व्यवस्था करे, उसका मूल कर्तव्य है, उसका दायित्व है कि उसकी शिक्षा की व्यवस्था करे। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, आरटीई अधिनियम 2009 भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों में शामिल अनुच्छेद 21A के साथ 1 अप्रैल 2002 से प्रचलित हो गया है। शिक्षा का अधिकार जो कि बुनियादी मौलिक अधिकार है, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के राज्य द्वारा गारंटी दी जाती है। एक ही अब पहले मौलिक अधिकार था और 1 अप्रैल 2010 में ये एक्ट पारित हुआ, या कहीं 2009 में अधिनियम बना और फिर लोकसभा राज्यसभा में पारित होकर एक एक्ट बन गया, और जो कि 1 अप्रैल 2010 से ये एक्ट चालू हुआ, परिचालित हुआ। उसमें जिम्मेदारी है कि 6 से 14 वर्ष की शिक्षा की व्यवस्था राज्य द्वारा किया जाए, उसकी गारंटी देता है वो। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार बच्चे के कुछ अधिकार हैं, जैसे जीवन जीने का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, सहभागिता का अधिकार, विकास का अधिकार, उपेक्षा से बचाव का अधिकार, माता पिता के साथ रहने का अधिकार तथा शिक्षा का अधिकार। ये संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की, उसकी मीटिंग थी यूएन की, कि उसके अंदर बच्चों को ये अधिकार दिए गए हैं। और राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत बच्चे क्या अधिकार हैं, उसके अंतर्गत बच्चों को कई अधिकार दिए गए। शिक्षा का अधिनियम आया, उसमें 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ष के बच्चों को जो अधिकार किए गए उस पर हम बात करें। सबसे पहला मुख्य अधिकार ये दिया गया बच्चों को कि 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निकट के स्कूल में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाए। पहले शिक्षा दो तरह से बटी हुई थी कि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, जो 1 से 8 तक की शिक्षा का विभाजन की हम बात करें तो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक। जब आरटीई आया तो उसको प्रारंभिक शिक्षा का नाम दिया गया। तो प्रारंभिक शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की है कि उनको शिक्षा की व्यवस्था करे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उन्हें उपलब्ध कराए। और सब उपलब्ध कराए, उस सबसे पहली व्यवस्था है कि उसके पास में 3 किलोमीटर की रेंज में या उसके आसपास विद्यालयों की व्यवस्था करे, उसमें नियरेस्ट उसके बच्चों की व्यवस्था करे कि वो स्कूल तक पहुंच सके। आयु अनुसार कक्षा में प्रवेश का अधिकार, कि बच्चे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अधिकार मिला है आरटीई के अंतर्गत कि अब आयु अनुसार प्रवेश का अधिकार है, बच्चा जिस क्लास में आए, जिस एज में है, उसकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाए। अब उस ये कह के मना नहीं किया जाए कि आपका 10 साल का हो गया या आप 12 साल के हो गए, अब आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, इस तरह से आप उसको मना नहीं कर सकते। ये बच्चे का अधिकार है कि उसे आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाए। तथा एक और अधिकार दिया गया, इच्छा अनुसार स्थानांतरण का अधिकार, कि बच्चे को इच्छा अनुसार अपना दूसरे स्कूल में जाना चाहे वो ट्रांसफ़र करा सकता है, उसका अधिकार है। उसे लगता है कि इस विद्यालय में व्यवस्था नहीं है, इस विद्यालय में हम मेरी जो आवश्यकताएं पूर्ति नहीं हो रहा है, या मुझे अन्य कार्यों से किसी दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेना है, तो इच्छा अनुसार उसे स्थानांतरण का अधिकार है, उसे वो दूसरे स्कूल में जा सकता है, प्रवेश ले सकता है, उसका अपना एक राइट है, अधिकार है। आयु प्रमाण पत्र के अभाव में भी प्रवेश का अधिकार, किसी बच्चे के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो भी उसे प्रवेश का अधिकार है। हम ये नहीं कह सकते कि आप पहले प्रमाण पत्र लाइए, आयु प्रमाण पत्र लाइए या कुछ लाइए, ऐसा उससे डिमांड नहीं कर सकते। है तो ठीक है, नहीं है तब भी आपको प्रवेश करना ही होगा। ये आरटीई उसको राइट देता है, अधिकार देता है कि अपनी आयु के अनुसार प्रवेश उसको करना ही है।
जो भी है उसके सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके आयु के अनुसार जो भी माता पिता इस शपथ पत्र माता पिता से आप ले सकते हैं कि इसकी क्या आयु है, उससे बात कर सकते हैं या आप पहचान कर सकते हैं, अपने अंदाज से लगा सकते हैं कि उसको किस आयु का है या क्या उसकी समझ है, उन्हीं से उसके अनुसार आप प्रवेश दे सकते हैं। आप उसे डिमांड नहीं कर सकते कि आप बर्थ सर्टिफिकेट लाना है तभी आपका एडमिशन होगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। ये बच्चे का अधिकार है कि वो डिमांड कर सकता है कि वो मुझे एडमिशन लेना ही लेना है। तथा प्रवेश की तिथि प्रारंभ या समाप्त होने का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रारंभ कभी भी एडमिशन स्टार्ट करें, कभी भी एंड करें, उस पर इम्पैक्ट नहीं, उसका अधिकार है, जब चाहे वो प्रवेश ले सकता है। आपकी प्रवेश की तिथि समाप्त हो गई फिर वो आता है एडमिशन लेने तो आपको उसको प्रवेश देना होगा, उसका अधिकार है। आप ये कह के उसको वापस नहीं कर सकते कि एडमिशन की डेट निकल चुका है, उसको वापस नहीं कर सकते, आपको उसको प्रवेश देना ही होगा, ये बच्चे का अधिकार है। प्रवेश नहीं देंगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी, इसलिए बच्चे का अधिकार है, उसका संरक्षण करना हमारा भी दायित्व है। प्रताड़ना रहित शिक्षा का अधिकार, कि बच्चे को शिक्षा का अधिकार है लेकिन प्रताड़ना रहित, उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। पहले क्या था, सुना होगा पहले बच्चों को पनिशमेंट दिया जाता था, बच्चों को प्रताड़ना दी जाती, लेकिन RTE जब से आया है तो कॉर्पोरल पनिशमेंट कम्प्लीटली बैन है। हम बच्चे को प्रताड़ना नहीं दे सकते, बच्चे को सजा नहीं दे सकते, उसको प्रताड़ना रहित शिक्षा का अधिकार है। अब RTE के अंतर्गत शिक्षा जो टीचर है उसके क्या उत्तरदायित्व हैं, उसके भी कुछ उत्तरदायित्व हैं। बच्चे की अधिकार की हमने बात की, उसके भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं। उनकी सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ये है, उत्तरदायित्व ये है कि नियमित विद्यालय वो आए, डेली विद्यालय आए, डेली आए और समय से आए। जनरली पहले क्या देखने को मिला, जो शिक्षा की दुर्दशा हुई विगत दिनों में, देखा कि विद्यालय हैं वहाँ शिक्षक नहीं पहुँच रहा है, समय से नहीं आ रहा है, नियमित नहीं आ रहा है, स्कूल बंद पड़े हैं, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो इसमें RTE के अंतर्गत शिक्षकों के भी उत्तरदायित्व को इसमें जोड़ा गया कि बच्चों को नियमित शिक्षण मिलना चाहिए, शिक्षक का दायित्व है वो नियमित समय पे आए और बच्चों का शिक्षण करें, बच्चों को शिक्षा डेली मिलना चाहिए। बच्चों की आवश्यकता की पहचान करें कि बच्चों की आवश्यकता क्या है, उनकी नीड क्या है। शिक्षक का दायित्व है, शिक्षक होने के हमारा दायित्व है कि हम उनकी आवश्यकताओं को पहचानें, कि बच्चों की विभिन्न विभिन्न आवश्यकताएँ होती हैं, विभिन्न विभिन्न बच्चे हैं। अब भिन्न भिन्न बच्चे हैं, विभिन्न बैकग्राउंड से आ रहे हैं, भिन्न भिन्न परिवार से आ रहे हैं, या भिन्न भिन्न उनकी व्यक्तिगत रुचियाँ हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। आप उनकी आवश्यकताओं को पहचान करें, किस स्टूडेंट को, किस छात्र को क्या आवश्यकता है उनकी पहचान करें, उसके अनुसार उसकी शिक्षा की व्यवस्था करें। बच्चों की योग्यता के अनुरूप उन्हें कार्य क्षेत्र में पंजीकृत करना, बच्चे की योग्यताएँ क्या हैं, उसकी एबिलिटी क्या है, उनके कार्य क्षेत्र क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनकी रुचि क्या है, उसी के अनुरूप उनको क्लासिफाई करें, बच्चों को बांटे। किसी का म्यूजिक में रुचि है, किसी की गेम में रुचि है, किसी की मैथ में रुचि है, या किसी की अन्य किसी कार्य में रुचि है, पब्लिक स्पीकिंग में रुचि है, किसी की डांस में रुचि है, तो उनकी योग्यताओं को पहचानें और उसी कार्य क्षेत्र के अनुसार उन्हें पंजीकृत करें और उनको सुविधा उपलब्ध कराएं। ये हमारा दायित्व है। RTE के अंतर्गत शिक्षक को उत्तरदायित्व मेंशन किया गया है कि आपका दायित्व है कि उनको आप योग्यता के अनुरूप उन्हें शिक्षा प्रदान करें। बच्चों की सृजनात्मकता की पहचान करना और पोषण करना, बच्चों की क्रिएटिविटी को आइडेंटिफाई करें उसकी और उसका पोषण करें, उसको रिटेन करें, कैसी वो क्रिएटिविटी स्टूडेंट में बनी रहे और आगे बढ़ती रहे। ये हम शिक्षकों का दायित्व है कि उसको क्रिएटिविटी को इंक्रीज करें, सृजनात्मकता को बढ़ावा दें, जो क्रिया सृजनशील बच्चे हैं उनको पहचानें और उनको रिटेन करें, उनको बढ़ाने का प्रयास करें, उनकी क्रिएटिविटी इंक्रीज हो। अभिभावकों को बच्चों के नामांकन हित प्रेरित करना, टीचर का दायित्व है, अभिभावक का दायित्व है कि वो बच्चों को स्कूल भेजे। अब टीचर क्या कर सकता है उसमें, अभिभावकों को प्रेरित करें कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, नामांकित कराएँ, स्कूल को डेली स्कूल भेजें। तो ये
टीचर अभिभावकों को कैसे ही उनको कंपेल करे, कंप्रोमाइज करे, समझाए कैसे वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे, प्रेरित करे, बच्चों को अपनी शिक्षा पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, टीचर को प्रेरित करे उसे कि कैसे अपनी वो शिक्षा कंप्लीट करे, बीच में शिक्षा नहीं छोड़े, तो ये टीचर का दायित्व है। निर्धारित समय में पाठ्यचर्या को पूर्ण करे, ये भी दायित्व है कि जो भी एक कैलेंडर है, स्कूल कैलेंडर है, उसके अंतर्गत वो जो शिक्षा है, जो शिक्षण कार्य है, उसको सिलेबस है, उसको कंप्लीट कराए। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का विशेष ध्यान रखें, जो बच्चे हैं स्पेशल चाइल्ड हैं, जिन्हें स्पेशल अटेंशन की आवश्यकता है, तो उनको शिक्षक का दायित्व है कि उस पर विशेष ध्यान दें। बच्चों के अधिकारों की रक्षा करें, जितने भी बच्चों के अधिकार हमने बात किया, चाइल्ड राइट्स की बात किया, तो हम शिक्षकों का दायित्व है कि हम उसके अधिकारों की रक्षा करें। अभिभावकों के साथ समय समय पर बैठक करें, पीटीएम करें, पेरेंट टीचर मीटिंग करें, और उनमें बच्चों की जो प्रोग्रेस है उससे उसको अवेयर कराए, अवगत कराए, कैसे कि वो अपने बच्चों की प्रोग्रेस को आइडेंटिफाई करें, पहचानें, और इसके अनुसार वो भी मोटिवेट हों और ताकि वो विद्यालय भेजें अपने वार्ड को। तथा नवाचारी विधियों के प्रयोग द्वारा शिक्षण करना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड मेथड यूज़ करें, साइकोलॉजिकल मेथड यूज़ करें, जिसके द्वारा आप बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकें। तो इस तरह हम बच्चों के अधिकारों की रक्षा हम कर सकते हैं, अधिकारों को बढ़ावा दे सकते हैं। बच्चों के अधिकारों का पालन करना, सुनिश्चित करना, ये हम लोगों का, हम शिक्षकों का दायित्व है। तो अतः हमें बच्चों के अधिकारों का सुरक्षा करना चाहिए, उनको कैसे ही उनकी रक्षा करना चाहिए, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का हमें प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।